रुख कर लेते हैं। संदीप जी, अप्रैल सीरीज की अच्छी शुरुआत हुई है, क्या संकेत माने बाजार के लिए? साथ ही अब मंगलवार को किसी को ट्रेड लेना हो, क्योंकि लंबा वीकेंड है, तो आप कौन सा आज पिक सजेस्ट करने वाले हैं, और हफ्ते भर की खरीदारी के लिए पोजिशनल व्यू कहां पर रखा जाए? बिल्कुल, आज काफी अच्छा माहौल था और इनफैक्ट जिस तरीके का कल फॉल था और पिछले 5-7 दिन काफी खराब गए मार्केट्स के लिए, तो न्यू फाइनेंशियल ईयर भी अब शुरू हो रहा है और अप्रैल की सीरीज इस तरीके से शुरुआत हुई है, कुछ तो एक्सपेक्टेड लाइंस में भी थी, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि सेलिंग बहुत ज्यादा, FIIs, DIIs की कोई नेगेटिव अप्रोच है। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि अब आने वाले दिनों में रिजल्ट्स के ऊपर ज्यादा नजरें बनी हुई रहेगी, जो कि IT दिग्गजों के रिजल्ट्स आने लग जाएंगे अब 7-8-10 दिनों के बाद। सो ओवरऑल मैं अभी भी कहूंगा कि मिड कैप और स्मॉल कैप अच्छे लगते हैं मुझे तो हमेशा से, और आगे भी अच्छे वैल्यूएशंस वाले, अच्छे रिजल्ट्स वाले स्टॉक्स को लेना है। और जो मेरा इंट्राडे FNO पिक के तौर पे जो स्टॉक मैंने चुना है वो है मैरिको। मैरिको में बाइंग करनी है और 402 रुपए की CMP है, ये बेचे नहीं होगा, ये शायद ये बाइंग होगी 402 और 412 और 415 का टारगेट के लिए, और 395 का स्टॉप लॉस लगा, तो मैरिको इज अ बाय। और दूसरा जो इंट्राडे कैश मार्केट के तौर पे जो स्टॉक मैं लाया हूँ वो है 568 का भाव है कंसाई नेरोले। इनफैक्ट ये टीम्स वाले स्टॉक्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्रूड ऑयल नीचे आ रहा है तो एशियन पेंट्स ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया इन दिनों में, और सारे पेंट्स वाले स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, तो 585-590 के टारगेट के लिए स्टॉक को लेना चाहिए, और 557 का स्टॉप लॉस लगा। और पोजिशनल पिक के तौर पे एक फैंटास्टिक क्वालिटी कंपनी है और बिल्डिंग मटेरियल्स की कंपनियां बहुत अच्छा कर रही है, और इंटीरियर इंफ्रास्ट्रक्चर में एक कंपनी है ग्रीनलैम इंडस्ट्रीज, वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लाईवुड और लैमिनेट्स मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, और मुझे लगता है 927 के जो भाव है ये आराम से 1030 छू देंगे आने वाले कुछ दिनों में, और 890 का स्टॉप लॉस लगाएं, तो पोजिशनल पिक के तौर पर ग्रीनलैम इंडस्ट्रीज। तो रिकैप कर लेते हैं फटाफट, FNO से मैरिको में खरीदारी की सलाह इंट्राडे पिक, और कैश मार्केट से कंसाई नेरोलैक में खरीदारी की सलाह संदीप जी की, और हफ्ते भर की खरीदारी ग्रीनलैम इंडस्ट्रीज में करने की सलाह हमारे आज के एक्सपर्ट संदीप जैन दे रहे हैं। बातचीत जारी रहेगी इनसे, लंबी अवधि की खरीदारी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पिक कौन सी? बिल्कुल, एक बेहतरीन सस्ती वैल्यूएशन वाली वैल्यू पिक है वो है गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कंपनी लिमिटेड। ये स्टॉक मैंने भी रिसेंटली रेकमेंड किया था और अनिल जी ने भी किया था, और उसके बाद बहुत बढ़िया रिटर्न्स दिया था और करीब 90-91 रुपए तक गया था, और अब ये करेक्ट किया हुआ स्टॉक, क्योंकि रीजन बीइंग कि बीच में PSUs फुल फ्लेवर में आ गए थे, फुल फॉर्म में थे, और दूसरा मिड कैप स्मॉल कैप में एक करेक्शन आया पिछले 5-6 दिनों में, तो ये एक अच्छा समय है जिसको यूटिलाइज करना चाहिए इन टाइप के वैल्यू पिक्स को लेने में। 5-6 के PE मल्टीपल पे स्टॉक मिल रहा है और बुक वैल्यू प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल 0.39, मतलब 0.40 के लगभग की प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल, बहुत सस्ता। उसके सामने आप डिविडेंड यील्ड देखिए करीब 4% के लगभग, पिछले 5 साल में कंपनी के प्रॉफिट की कैगर भी 12-13% के लगभग रही है, और सबसे इंपॉर्टेंटली डाउनसाइड रिस्क बहुत कम है, तो इन लेवल पे बिल्कुल स्टॉक को लेना चाहिए। जो नाम गुजरात है तो आप समझ लीजिए कि प्रमोटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल भी कोई रिस्क नहीं है, बाकी बहुत सारे DIIs की बहुत अच्छी होल्डिंग है, करीब 14% के लगभग DIIs की होल्डिंग है, FIIs की नॉमिनल से स्टेक है, एंड गुजरात पावर कॉर्पोरेशन, गुजरात स्टेट पावर पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, इन सब की स्टेक होते हुए मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल लेना चाहिए इन लेवल्स पे, और आराम से ये स्टॉक 85 से 90 के टारगेट्स के लिए खरीदना चाहिए। GIPCL में लंबी अवधि की खरीदारी करने की सलाह संदीप जी की, बहुत शुक्रिया संदीप जी शो में शामिल हुए।